कश्मीर सीरीज में जन्नत की खोज में आज हम आपको ले चल रहे हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर के बारामूला जिले में श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर 2730 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता कश्मीर के सभी रास्तों की तरह बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में आपको बहुत से एप्पल के बागान मिलेंगे। सिर्फ 10 रुपए देकर आप इन बागानों के अंदर जा सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं और यदि एप्पल का मौसम हो तो एप्पल्स को खुद तोड़कर खरीद भी सकते हैं। कि फूल इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, इमेजिन भी नहीं कर पा रही मैं कि यहाँ यदि एक एक फूल की जगह पे एक एक एप्पल होगा तो वो कितना खूबसूरत लगेगा और ये पेड़ कैसे लेगा इतने सारे एप्पल्स का वेट। सीजन के वक्त यहाँ एप्पल सिर्फ 20 से 30 रुपए किलो मिल जाते हैं। ऑन द वे टू गुलमर्ग दिस इज तंगमर्ग एंड दिस इज द प्लेस जहाँ से आपको बूट्स जो है स्नो बूट्स पहन के जाना होता है। 400 रुपये उसने बोला था, फाइनली मुझे 150 पर पेयर ऑफ बूट्स मिला है और बूट्स के बिना आप जा नहीं सकते गंडोला राइड में स्पेशली। सो दिस इज द प्लेस टू टेक योर बूट्स। गुलमर्ग पहुँचते ही टैक्सी स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर गंडोला बोर्डिंग पॉइंट है जहाँ जाने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का वॉक लगता है। यू डोंट नीड एनी गाइड हियर एट ऑल। 1 किलोमीटर की दूरी पे गंडोला 1 है, उसके बाद गंडोला 1 से गंडोला 2 तो अपने आप जाना है। सो वी आर वॉकिंग टू गंडोला। यू हैव एवरेज फिटनेस, यू डोंट नीड एनीबडी टू हेल्प यू रीच द गंडोला पॉइंट्स टू। सर पेपर घूम के लाएगा फिर यहां ड्रॉप करेगा तब उसका फीस देना, दोनों पैसा आ जाएगा। अरे वो चलो से मददगार, हां मैं साथ जाऊंगा ना, मेरा टिकट भी नहीं देना है, खाली सर्विस चार्ज देना है वापस आके। क्या सर्विस चार्ज? 990 हमारा रेट है तो बोल। हां तीनों लोगों का वापस आने के बाद नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कितना देगा बोलो? नहीं चाहिए ही नहीं। हां नहीं चाहिए। सो आई एम एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द गंडोला राइड राइट नाउ। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड वाइब अबाउट द प्लेस। एक्सट्रीमली क्राउडेड एंड सो मेनी पीपल ट्राइंग टू नेगोशिएट एंड ट्राइंग टू मेक फूल ऑफ यू। डजंट साउंड सो गुड बट गंडोला विल बी गुड डेफिनेटली। यदि आप गंडोला राइड के लिए गुलमर्ग जा रहे हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखिए कि इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 क्राउडेड। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आपकी ट्रिप फाइनल हो जाए, फ्लाइट के टिकट्स बुक हो जाए और आपका गुलमर्ग जाने का डे फाइनल हो जाए, आप गंडोला की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि गंडोला की टिकट्स की लाइन एंड देन बोर्डिंग की लाइन दोनों ही लाइनें बहुत ही लंबी होती हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने से आप एटलीस्ट एक लाइन से बच सकते हैं, फिर भी बोर्डिंग की लाइन में तो लंबी में खड़ा होना ही होगा। गुलमर्ग की गंडोला राइड कश्मीर का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये गंडोला राइड 3 फेजेस में ऑपरेट करती है। फेज 1 आपको गुलमर्ग से कंडोरी ले जाती है जो कि लगभग 8500 फीट ऊंचाई पर है। फेज 1 का कॉस्ट 740 रुपये है और ये लगभग 9 मिनट की राइड है। Phase 2 takes you from Kandori mountain to Afarwat peak which is at a height of around 14,000 feet above sea level. Phase 2 का cost 950 रुपए है और इसमें 12 मिनट लगते हैं। Phase 3 is a ride between Kandori to Meri shoulder and it is a chair lift which is used mainly by ski passengers. This ride costs 300 rupees and can be completed in 11 minutes. फाइनली यू रीच गंडोला एंड एक केबल कार में 6 लोग होते हैं। याद रहे आपको आपकी टिकट और आधार की हार्ड कॉपी काउंटर पर दिखाना होती है। वी नोटिस्ड फ्यू पीपल इन ट्रबल बिकॉज दे वर इन अ ग्रुप एंड एवरीवन वाज नॉट कैरिंग अ कॉपी ऑफ द टिकट। फेज 2 में जाने के लिए भी आपको पहले फेज 1 में जाना होता है और फिर वहाँ से फेज 2 का गंडोला लेना होता है। फेज 1 की गंडोला राइड के रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, पाइन ट्रीज, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड गुजरों की हट्स नज़र आती हैं। यू कैन एन्जॉय द बेस्ट पैनोरामिक व्यूज एंड इट्स अ वेरी मेमोरेबल जर्नी। हमने फेज 1 एंड फेज 2 की टिकट्स ली थी और बाकी टूरिस्ट की तरह ही हमने पहले फेज 1 में जाना था और फिर हम फेज 2 में जाते।
पर हमारे को पैसेंजर्स के साथ एक गाइड थे जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम पहले फेज टू कर लें और उसके बाद फेज वन में आए, एंड इट वॉज द बेस्ट एडवाइस एवर। तो आप एक काम करो, मेरे अंदर से आप पहले फेज टू पर जाओ, फेज टू पे पहले हाँ। फिर वहाँ से आओगे, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ व्यू है, फोटो शोटो खींचोगे, बाकी एक्टिविटीज वन में एक्टिविटीज है। आप भी फेज टू में पहले जाएंगे। फेज वन का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हम पहले फेज टू में जाएंगे और टू के बाद आएंगे। आई सो विश देयर वाज नो क्राउड, इसे कम होते कुछ ऐसा टाइम हो जहाँ लोग कम और मज़ा आता, क्राउडेड है बट स्टिल बहुत। सो फ्रॉम फेज वन we boarded gondola for phase 2 which takes you from Kangdur to Afarwat peak. It's absolutely breathtaking. It's an out of this world experience. You feel you are being swallowed up by the jungle of snow covered trees and snow carpeted mountains. And in 12 minutes you reach phase 2. And all I can say about phase 2 is कि यदि आप कश्मीर जन्नत की खोज में जा रहे हैं तो ये जन्नत शायद फेस टू में ही है। इट इज सो सो गॉर्जियस। आपको डर नहीं लग रहा? आप बहुत प्यारे बेबी हो, बहुत आप तो शिष्टा बनते हो ना, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा। आपको बता दें कि यदि आपने गुलमर्ग आकर फेस टू नहीं किया तो आपने गुलमर्ग में कुछ नहीं देखा, इसलिए प्लीज़ पैसे बचाने के लिए फेज़ टू मिस ना करें। 950 रुपये फीस की ये फेज़ टू टिकट एब्सोल्युटली वर्थ है, एंड ऑल्सो 90% लोग फेज़ वन ही करते हैं, इसलिए फेज़ वन इज़ वेरी क्राउडेड बट फेज़ टू इज़ एब्सोल्युटली क्लीन। फेज़ टू की खूबसूरती का तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। बर्फ की मखमली चादर से ढके फेज़ टू में बिताए कुछ पलों का एहसास ज़िंदगी के वो ख़ास पल बन जाते हैं जिनकी याद ही आपके चेहरे पर एक स्माइल ले आती है। वाह, फेस टू में भी सिग्नल एक कॉल आ रहा है, वाह एयरटेल की जय हो। और है भी स्पैम कॉल, क्रेडिट स्पैम कॉल ही आते हैं ऐसी जगहों पे। एंड यू वुड ओनली बी लकी इफ़ यू गेट टू रीच फेस टू, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से ही चलता है और यदि मौसम ख़राब हो जाए तो फेज़ वन तो कंटिन्यू रहता है बट फेज़ टू कैंसिल कर दिया जाता है। फेज़ टू से फेज़ वन की गंडोला राइड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर थी, पर ऊपर से नीचे दिखती लोगों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन बहुत ही डरावनी थी। कम से कम 2 घंटे लगते हैं आपका लाइन में नंबर आने के लिए टू कम डाउन फ्रॉम फेज वन टू गुलमर्ग। फेज वन फेज टू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। आई थिंक 80% पब्लिक फेज वन से वापस चली जाती है, बिकॉज इट इज़ मोर क्राउडेड तो थोड़ा लिटर्ड भी ज़्यादा होता है। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में हो गया, उससे मिले हुए मुझको तो ऐसा हो गया। हम लकीली सोनमर्ग में स्नो एक्टिविटीज़ कर चुके थे, इसलिए हमें फेज़ वन में कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करना था। और जब कुछ नहीं करना होता तो कुछ ना करना आपको बहुत कुछ खास करने का मौका और फ्रीडम देता है ना? जैसे कि आराम से सीनरी एंजॉय करना, कुदरत को अपने अंदर सोक करना, नज़ारों में खो जाना, लोकलाइज के साथ रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशंस करना। इस जगह सेफ है? बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं सबके पास लाइसेंस होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके पास लाइसेंस है काम करने के लिए, ऐसा कोई नहीं है काम करने के लिए। कश्मीर बहुत सेफ है, कश्मीर जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं है। आपको कितने दिन हुए कश्मीर में? अभी 4 दिन हो गए। कैसा लगा? बहुत सेफ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहमान नवाजी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और पहाड़ों में मैगी खाते हुए अपने दिल को पहाड़ों में खो जाते हुए देखना। सो पहाड़ों वाली इस मैगी के साथ खत्म होता है हमारा ये एपिसोड ऑन गुलमर्ग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑन द लास्ट डेस्टिनेशन इन आर कश्मीर ट्रिप, दैट्स पहलगाम।